अब हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली। आ चुके हैं गुड़गांव। हम लोग कुतुब मीनार में। तो मीनार जो कि कितनी बड़ी लग रही है, उसका नजारा देखिए कितना। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज है दूसरा दिन हो रहा है हमारा निमराना में, और आज कल हम यहीं लेटे हुए थे रात में, और भैया ने बहुत खातिरदारी की है। अभी हम लोग जाने वाले हैं यहीं निमराना में घूमने के लिए, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग दिल्ली। बिल्कुल रेडी नाश्ता वास्ता करके अब हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली यहाँ से। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी नहीं निकली है, बढ़िया आज घूमेंगे मस्ती करेंगे। हुए हैं बैग। हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए सभी लोग। अब जाके सीधे गुड़गांव में रुकेंगे और वहां से फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो हम लोग अभी 40 किलोमीटर का सफर तय करके आ चुके हैं और सभी लोग भाई लोग बैठे हुए हैं। क्या हाल है? चुकी है हीरो कंपनी और यहीं से पूरे ऑल इंडिया में सप्लाई होती है हर जगह पे। यहीं से बाइक हीरो की स्प्लेंडर कोई भी हो, हीरो की बाइक, हर बाइक यहीं से सप्लाई की जाती है। यही है सबसे बड़ी दिल्ली में कंपनी, गुड़गांव में है सॉरी। इससे बाइक परचेज करिएगा तो अंकित भाई 50,000 में दिलवा देंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ और अपने घर का काम है लोग आ चुके हैं गुड़गांव। अब बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं, 5 मिनट में। जो जगवार का शोरूम पीछे निकल गया बस वाले के चक्कर में, मैंने आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि बीच बीच में चल रही थी बस। अंकित भाई 10 रुपए की छूट दिलवा रहे थे जगवार में। मैं नहीं मानता, पैसा लेके आओ नहीं आओ फिर भी लेके जाओ। अच्छा, और एक साइड यहाँ पे भी हीरो कंपनी है और ये सामने गूगल कंपनी, और ये अंडरग्राउंड पुल नीचे हम लोग अभी चल रहे हैं हरियाणा में। हम लोग आ चुके हैं गुड़गांव हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पे, जाएंगे हम लोग कुतुब मीनार। भैया के पास तो कार्ड है नहीं है इसलिए टोकन की लाइन में लगे हुए हैं अभी। मेट्रो से होकर हम लोग आ चुके हैं कुतुब मीनार में, मतलब कुतुब मीनार अभी हम टोकन लेने जा रहे हैं, फिर उसके बाद जाएंगे कुतुब मीनार में। भाई यहाँ से टोकन लेके अब जा रहे हैं सामने कुतुब मीनार में। अंदर बैग अलाउ नहीं था तो बैग वहां पे रखना पड़ा। एंट्री कर चुके हैं हम लोग कुतुब मीनार में। तो अब हम लोग जाने वाले हैं कुतुब मीनार के अंदर। तो पहली बार आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। टाइम है तो ज्यादा भीड़ भी नहीं है, अभी काफी लोग कम आए हुए हैं। कुतुब मीनार जो कि कितनी बड़ी लग रही है, और अभी हम लोग जा रहे हैं उस साइड, ये ग्राउंड बना हुआ है बढ़िया, और अभी हम लोग और अंदर जा रहे हैं का नजारा देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। सब लोग पिक क्लिक कर रहे हैं अपने अपने पोस्ट देकर बढ़िया, और ये रही सामने कुतुब मीनार। और अभी और अंदर चल रहे हैं, अभी और इस साइड आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं क्या है। अभी तक गर्मी तो बहुत तेज लग रही है और थोड़ी थोड़ी अभी धूप भी थी, लेकिन अब थोड़ा ऐसा है कि धूप नहीं है, छाया सी हो गई है। तो अभी अंदर जा रहे हैं सामने, यहाँ पे देखते हैं क्या है। ज्यादा कपल के बैठने के लिए जगह है। और अंकित भैया कहाँ पे चढ़ गए हैं? पीछे यहाँ पे, बस पीछे यहाँ पे चबूतरा सा बना हुआ है, मैं भी चढ़ के देखता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये बढ़ने के लिए बना हुआ है शायद। और यहाँ पे ग्राउंड ख़त्म है, एंड है यहाँ पे दीवार, वो चल भी नहीं पा रहा सही से यहाँ पे। तो भाई ये ऐसी जगह है जिसपे चल भी नहीं पा रहा है सही से, पता नहीं पैर कहाँ रख रहे, कहाँ रख रहा है। और इसी जगह पे पिक क्लिक कर रहे थे, अब बढ़िया है अब जा रहे हैं यहाँ पे। ज्यादा लोग यहाँ पे शाम को आते हैं 5 बजे के बाद, और 8 बजे तक ये बंद हो जाता है। ज्यादा भीड़ यहीं पे है, सब लोग कुतुब मीनार की फोटो खींच रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से भी हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। सारा कुछ घूम ही लिया है क्योंकि अभी टाइम बचा है, तो थोड़ा कुछ और घूम लेंगे। तो शाम की ट्रेन भी है 11 बजे, तो मुझे जाना है औरई के लिए, तो जितना हो सकता है उतना कुछ मैं घूम लूँ यहाँ पे। ₹2 में बैग यहाँ रखा हुआ था, और ये पर्ची, अभी बैग ले रहे हैं। अलमीरा में सबसे ऊपर नीला बैग। हम लोग कुतुब मीनार से निकल आए हैं, कुतुब मीनार के थोड़ी आगे पार्क है यहाँ पे, तो काफ़ी फेमस पार्क है यहाँ पे, शूटिंग वूटिंग चलती रहती है। तो अंकित भैया कह रहा है घूम लिया जाए वो भी, तो फिर वो पहले घूम लिया जाए, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग 5 सेंस।
वो पार्क था लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं अंदर क्या है। तो अब हम लोग यहाँ से दूसरे वाले पार्क में जा रहे हैं, फाइव सेंस में। ऑटो में बैठ के हम लोग जा रहे हैं अब साकेत, जहाँ पे है फाइव सेंस पार्क। अभी तो कुछ ज्यादा ही लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है और बाल भी कैसे हो गए हैं, चेहरे पे बहुत चिपचिपाहट सी हो रही है क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है, पूरी साइड भी गीली हो चुकी है। दिल्ली में कुछ ज्यादा ही जाम लगता है यार, कहाँ से गाड़ी खड़ी हुई है, कहाँ रेड लाइट चल रही है और यहाँ तक जाम लगा हुआ है।